रियलमी, ओप्पो, वीवो, रेडमी, कौन सा फ़ोन हम इनमें से खरीदें, ये आज की वीडियो का टॉपिक है। और मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इनमें से आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए, यानी कि कौन सी कंपनी का आपको फ़ोन खरीदना चाहिए। तो आइए जानते हैं, वीडियो को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने इन सारी कंपनियों के एवरेज प्राइस रेंज के स्मार्टफोन को अपनी रैंक, यानी कि अपनी लिस्ट में रखा और उनको रैंक वाइज कैटेगराइज करा, रैंक वाइज कैटेगराइज करा। और इसी कैटेगराइज को मैं आपको आपके सामने रखूँगा अपनी लिस्ट कि कौन सी कंपनी का फ़ोन आपको खरीदना चाहिए। तो आइए जानते हैं। तो यार यहाँ मैंने छः स्मार्टफोन को रैंक वाइज रखा है और छः स्मार्टफोन अलग अलग कंपनी के हैं। तो यहाँ जो मैंने एवरेज प्राइस रेंज रखी है वो रखी है 10,000। तो जानते हैं टॉप सिक्स पे कौन सा फ़ोन आता है। तो टॉप सिक्स पे जो मैंने फ़ोन रखा है वो मैंने रखा है ओप्पो का A15, क्योंकि इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है मीडियाटेक हीलियो P35 और जो बैटरी मिलती है वो मिलती है 4230 mAh की। वहीं ट्रिपल कैमरा आपको सेटअप मिल जाता है, 13+2 MP+2 MP का आपको यहाँ सेटअप देखने को मिलता है। सेल्फी आपको 5 MP की मिल जाती है, बट यहाँ जो बैटरी है वो मिलती है काफ़ी कम, 4230 mAh की, नॉच डिस्प्ले के साथ है। इस वजह से मैंने इसको 6 नंबर पर रखा है, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम है, नॉच डिस्प्ले है, बैटरी तो बहुत ही कम है। चलिए अपने फिफ्थ नंबर के फ़ोन पे चलते हैं। तो फिफ्थ नंबर पे मैंने रखा है सैमसंग का M11, क्योंकि इसमें प्रोसेसर कम है बट बाकी चीज़ें अच्छी हैं। प्रोसेसर यहाँ जो आपको मिलता है वो मिलता है स्नैपड्रैगन 450 और 5000 mAh की बिग बैटरी मिलती है। और यार आपको एक बात बताऊँ, यहाँ आपको नॉच डिस्प्ले नहीं देखने को मिलती, 10,000 के अंदर नॉच डिस्प्ले नहीं मिलती है, 10,000 के अंदर आपको मिलती है पंच होल डिस्प्ले, और साथ ही साथ जो एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलने को मिलती है, एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, IPS LCD नहीं मिलती, एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। तो यार यहाँ आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, पंच होल कैमरा मिलता है जो कि, और आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट मिलते हैं, यानी कि ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है 13+5+2 MP का, और सेल्फी कैमरा यहाँ 8 MP का है। यहाँ यार सैमसंग के फ़ोन में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, एक तो डिस्प्ले बहुत अच्छी रहती है और कैमरा क्वालिटी तो यार सुपर्ब, कैमरा तो बहुत ही मस्त रहता है। तो इस वजह से मैंने इसको रखा है फिफ्थ नंबर पे। जानते हैं फोर्थ नंबर के स्मार्टफोन पे, यानी कि चलते हैं फोर्थ नंबर के स्मार्टफोन पे। तो फोर्थ नंबर पर मैंने रखा है वीवो का यू टेन। इसमें यार यहाँ जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है HD665, यानी कि स्नैपड्रैगन 665, और यहाँ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जो कि है 13+8+2 MP का। सेल्फी कैमरा है आपको 8 MP का मिल जाता है, 3GB+32GB आपको यहाँ रैम और स्टोरेज देखने को मिल जाती है, नॉच डिस्प्ले के साथ मिलता है। इस वजह से मैंने इसको रखा है फोर्थ नंबर पे। फ़ोन मैंने रखा है तीसरे नंबर पर। इसमें जो आपको बैटरी मिलती है वो मिलती है 5000 mAh की, 5000 mAh की, जी हाँ सही सुना आपने, 5000 mAh की बैटरी अब सभी फ़ोन में आ रही है, इसमें ही 5000 mAh की बैटरी है। और जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 665, यानी कि अच्छा प्रोसेसर है यार 665, आप अच्छी खासी गेमिंग कर लेंगे। और यहाँ जो ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है 12+2+2 MP का, सेल्फी कैमरा यहाँ 8 MP का मिल जाता है, और 3GB RAM+32GB ROM आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। इस वजह से मैंने इसको रखा है थर्ड नंबर पे। नॉच डिस्प्ले है इसमें और IPS LCD डिस्प्ले है। तीसरे नंबर पे तो यार ये फ़ोन है Realme का। सेकंड नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे जो फ़ोन है वो है Redmi 9 Prime। जिस फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ इस टाइम वो भी मेरा Redmi 9 Prime ही है, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है यार। MediaTek Helio G80 गेमिंग के लिए तो बहुत बेस्ट रहेगा यार, गेमिंग के लिए बहुत बेस्ट है, कमाल का फ़ोन है यार, हर चीज़ भाई इसमें है, मतलब एक दमदार फ़ोन है। कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब अच्छी है, काफ़ी एवरेज तो नहीं है यार, एवरेज काफ़ी कम हो जाती है, बट यार इसकी कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है। और तुम यार पर्सनल एक्सपीरियंस है, कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। 4GB+64GB आपको यहाँ वेरिएंट मिलता है, यानी कि 4GB RAM+64GB ROM मिल जाती है। कैमरा जो है 13+8+5+2 MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, और जो सेल्फी मिलती है वो मिलती है 8 MP की, नॉच डिस्प्ले है, 5020 mAh की बड़ी सी बैटरी है। चलते हैं अपने फर्स्ट नंबर के स्मार्टफोन पे। तो फर्स्ट नंबर क्या इससे भी अच्छा एक स्मार्टफोन है क्या? फर्स्ट नंबर में आपको जो फर्स्ट नंबर पे स्मार्टफोन है उसमें पंच होल कैमरा मिलेगा क्या? परफॉर्मेंस की अच्छी रहेगी क्या? बैटरी उसकी अच्छी रहेगी? बैटरी बैकअप अच्छा रहेगा? सारी खासियत उस फर्स्ट नंबर के स्मार्टफोन में है, और भाई इस स्मार्टफोन में भी सारी खासियत है जो कि सेकेंड नंबर पर है।
अब मैं आपको बताऊंगा इनमें से आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं फर्स्ट नंबर पे कौन सा फ़ोन है। तो फर्स्ट नंबर पे जिसको मैंने रखा है स्मार्टफोन को, वो है इन्फिनिक्स की तरफ से। जी हाँ भाई, इन्फिनिक्स जीत गया आज, मान लेते हैं इन्फिनिक्स को, क्योंकि यार इन्फिनिक्स कुछ ही टाइम पहले आया है और इन्फिनिक्स ने भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म अपना स्मार्टफोन की दुनिया में बना लिया है। तो इन्फिनिक्स का ये स्मार्टफोन है जो कि मैंने रखा है नंबर वन पर। यार क्या क्या खासियतें जानते हैं इसकी, तो यार यहाँ आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है मीडिया टेक हीलो G70, 5000 mAh की बिग बैटरी मिल जाती है, पंच होल कैमरा आपको मिल जाता है, IPS LCD डिस्प्ले होगी, सेल्फियाँ 16 megapixel की मिल जाती है, 48+2+2+ AI लेंस कैमरा यानी कि क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है। इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी पसंद आया यार, बहुत ही अमेजिंग फ़ोन है ये मुझे सबसे अच्छा लगा, इस वजह से मैंने इसको नंबर वन पे रखा और सारी चीज़ें इसमें A1 है। तो अगर आपको एक फ़ोन ख़रीदना है तो आप वन फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे जो फ़ोन करते हैं, रैंक यानी कि मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे जो फ़ोन रखे हैं उनको आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि वो तीनों एकदम बहुत ही मस्त फ़ोन है वो तीनों। और जो मैंने बाकी रखे हैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स, उनको भाई मैं प्रेफर करूँगा कि आप बाय ना करें, क्योंकि यार वो इतने अच्छी आपको परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जितने ये दे पाएंगे, और प्राइस भाई दोनों का ही यानी कि उनका भी सेम है और इनका भी सेम है। तो अगर आपको इन्फिनिक्स लेना है तो आप इन्फिनिक्स की तरफ जा सकते हैं, और अगर आपको इन्फिनिक्स नहीं लेना है तो रेडमी 9 प्राइम या रियलमी नार्जो 20 आप खरीद सकते हैं, नार्जो 20A खरीद सकते हैं। तो यार कैसी लगी ये वीडियो, वीडियो को कर दो एक लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। यही था आज का कि आपको कौन से फ़ोन आप खरीदें, इस वजह से मैं आपको लेकर आया था रैंक वाइज मैंने इनको कैटेगराइज कराया था और मैंने आपके सामने ये सारी अपनी जो कि लिस्ट है वो रखी। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।